हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 9 का क्वेश्चंस है और चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल। ना सी द क्वेश्चन। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री। तो हमको क्या शो करना है, मतलब हम लोग को क्या प्रूव करना है कि द मेजर्स ऑफ ईच एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज़ कितना है, 60 डिग्री। तो मान लीजिए एक हम इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनाते हैं ए बी सी, ठीक है। ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें क्या है कि जिसमें हमको क्या शो करना है कि ईच मेजर ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री, मतलब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो जब आपको पता है कि कोई भी ट्रायंगल जब इक्विलेटरल होता है तो क्या होता है, उसका साइड्स बराबर होता है, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, ये आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो आप देखिए, मान लीजिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू हम ए सी लिख सकते हैं एंड ए सी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बी सी लिख सकते हैं। आपको पता है एक फॉर्मूला कि जब मेरा साइड इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, वो भी इक्वल होता है। तो ये जो एंगल है, ये जो साइड है ए बी है, तो ए बी और ए सी क्या है, साइड इक्वल है, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल्स क्या है, एंगल सी। इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू, और ए सी का ऑपोजिट क्या है, एंगल बी, एंड ए सी, ए सी क्या है कि एंगल्स एंगल सॉरी ए सी है, तो इसका एंगल क्या हो गया, एंगल बी, और बी सी का क्या हो गया, एंगल एंगल ए हो गया, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मतलब तीनों एंगल्स मेरा अब बराबर हो गया। आपको एक प्रॉपर्टी है कि द सम ऑफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ए ट्रायंगल्स इज एंगल, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना, 180 होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है, सम 180 डिग्री, ये पता है आपको। आप जब बोल रहे हैं कि तीनों एंगल है, तो माने एंगल ए की जगह एंगल ए ही लिखते हैं, प्लस एंगल बी की जगह एंगल ए ही लिखते हैं, और एंगल सी की जगह क्या लिखते हैं, एंगल ए लिखते हैं, इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। अब यहाँ पे कितना हो गया, दिस इम्प्लाइज 3 एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। दैट मीन्स एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 6 18, तो मेरा कितना हो गया एंगल ए का वैल्यू, 60 डिग्री। मतलब मेजर ऑफ एंगल ए इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ए का वैल्यू कितना, एंगल बी के बराबर है, इज इक्वल टू एंगल सी के बराबर है। तो ये है द तो क्या हो गया सॉल्यूशन, द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ ए ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री हिंस प्रूव, ठीक है। तो ये हमको प्रूव करना था। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।